हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत अनिता के एस किचन में। तो आज हम बनाएंगे भिंडी की भुजी, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही झटपट, जो कि 5 मिनट में ही बनके तैयार हो जाती है। कोई परेशानी नहीं, कोई झंझट नहीं है, बिना मसाले के हम बनेंगे सिर्फ एक लाल मिर्च से। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते। चलिए शुरू करते हैं। हमने भिंडी ले ली है, सफाई करके ले लिए हैं अच्छे से, 2 प्याज लिए हैं, थोड़ी सी लहसुन अदरक ले लिए हैं। तो हम भिंडी को कट कर लेंगे। तो दोनों साइड से साइड वाला पार्ट को कट करके हम हटा देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको कट करेंगे। तो आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा, भुजी के लिए छोटे छोटे पीसेस में ही कट करना है। देख सकते हैं हम कितने छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं। तो हम कट करके ले लिए हैं। प्याज को थोड़ी सी मोटे टुकड़ों में कट करना है, ताकि इसका कच्चापन, थोड़ा सा फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। तो हम ले लेंगे कोई सा भी बर्तन ले लीजिए, उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच के करीब तेल। तेल देख सकते हैं बिल्कुल कम डाले हैं। 1 छोटी चम्मच कड़ी जीरा डाल दिए हैं। जीरा को अच्छे से पकने दे दीजिए। जीरा अच्छे से पक गया, 1 चुटकी करीब हींग डाल दिए हैं, इस थोड़ी सी खुशबू आ जाए, फ्लेवर बढ़िया आ जाते हैं। तो अदरक डाल दिए हैं, लहसुन डाल देंगे। लहसुन अदरक थोड़ी सी पक जाए, अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। देख सकते हैं मोटे मोटे टुकड़ों में कट करके लिए हैं। प्याज कैसे भी मिक्स करके, ज़्यादा देर भूनना नहीं है, हल्का सा इसका, हल्का सा फ्लेवर इसका चला जाए। जो देख सकते हैं इसका हल्का सा वो स्वाद होता है ना, वो प्याज कम है वो चला गया है। अब इसमें भिंडी डाल देंगे साथ ही। प्याज को बिल्कुल भी पकाना नहीं है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे ही 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि इसका जो चिपचिपापन होता है ना वो हट जाए। तो जैसे जैसे हम चलाएंगे, अभी पहले चिपचिपापन आ जाएगी इसमें। ये देख सकते हैं धीरे धीरे चिपचिपापन आना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं कितना सारा चिपचिपापन इसमें एक दूसरे से चिपक गया है। इसको हाई फ्लेम पे ही अभी भूनना है, ताकि इसका चिपचिपापन न चला जाए। तब तक हाई फ्लेम पे इसको भूनना है। ढकने के बाद क्या होता है, भिंडी ज़्यादा पक जाते हैं और थोड़ा सा वो एक दूसरे में चिपकते रहते हैं। देख सकते हैं भिंडी का चिपचिपापन अच्छे से चला गया है, और भिंडी हमारा अच्छे से एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, अलग हट गया है। अब इसमें हम डाल लेंगे मसाले। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा, आप जितना बना रहे हैं उस हिसाब से नमक डाल दीजिए। फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम 1 चुटकी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि 1 चुटकी डाल रहे हैं। 1 चुटकी करीब धनिया पाउडर, 1 चुटकी करीब गरम मसाला, चुटकी से भी कम डाल दिया मैंने। आपको ये भी नहीं डालना है, अगर मसाला बिल्कुल पसंद नहीं करते तो बिल्कुल मत डालिए। तो 1 मिर्ची को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ली है, सूखी मिर्च को वो डाल दी है। इससे भिंडी में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसको हम ढक देंगे मीडियम हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं भिंडी अब पक भी गया होगा। 3 से 4 मिनट के लिए ढक दीजिए मीडियम हाई फ्लेम पे, भिंडी पक जाती है। भिंडी पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं भिंडी अच्छे से पक गया है। तो अब इसको हम इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे 1 चुटकी करीब आमचूर पाउडर, थोड़ी सी खट्टापन आ जाए, इससे थोड़ा सा टेस्ट फ्लेवर बढ़िया आ जाते हैं। डाल लिए हमने, इसको मिक्स कर लेंगे। चलिए अब सर्व कर लेते हैं फटाफट। ये तैयार हो गया बनके। तो लीजिए गर्मा गर्म भिंडी की भुजी बनके तैयार हो गया। इस तरीके से बनाइए, सभी पसंद करेंगे। कम तेल, कम मसाले और बहुत ही चटपटी बन जाते हैं। इस तरीके से आप दाल चावल पे, रोटी के साथ, किसी की भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब कर रखे उसको दिल से थैंक यू, जो नहीं कर रखे हो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो सबको दिल से थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए।